सिवनी में 102 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उसके पुत्र द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कुसिया बाई चंद्रवंशी के दो पुत्र और दो पुत्री है। बुजुर्ग महिला का छोटा पुत्र विष्णु चंद्रवंशी द्वारा कुछ दिन पूर्व इलाज के बहाने अपनी बूढ़ी मन को रजिस्ट्रार कार्यालय लाया और धोखे से उसकी 3.5 एकड़ जमीन के दस्तावेजों पर अंगूठा लगाकर जमीन बेच दी। जमीन खरीदने वाला खरीदार जब जमीन पर कब्जा जमाने पहुंचा तो जमीन बिक जाने के बारे में पता चला और बुजुर्ग महिला के अन्य वारसानों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर पता किया तो जमीन बिक जाने की बात सही पाई गई। जमीन बिक जाने के बाद बुजुर्ग महिला सदमे में है और फरियादी महिला पुलिस से लेकर पंजीयक कार्यालय के चक्कर काटकर सिर्फ यही बात कह रही है कि उसने जमीन नहीं बेची, लेकिन बुजुर्ग महिला की सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी सास की उम्र 102 साल की है, उसका छोटा लड़का ने डॉक्टर कह के ले गया सिमनी, और सिमनी ले गया और क्या किया कह नहीं साहब, और ऐसा घर आ गई मेरी ये सास, क्योंकि दो बेटा और दो बेटी, छोटा लड़का ने ये धोखाधड़ी किया। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।